अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज 16 अप्रैल 2021 का दिन है और आज बरोज़ जुम्मा है। जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है, अभी तकरीबन 2:45 का टाइम हो गया शाम का। तो आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने जो तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद है। लास्ट ईयर वो मस्जिद बनी है, कंस्ट्रक्शन उसकी कंप्लीट हुई है। सिंपल एक मस्जिद है लेकिन तुर्की की अब तक की सबसे बड़ी मस्जिद वो है। आज मैं बताऊंगा कि वो मस्जिद देखने में कैसी है, आप लोग देखेंगे मेरे साथ, और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूंगा कि कितने लोगों की कैपेसिटी इस मस्जिद में है, कितने लोग एट अ टाइम नमाज पढ़ सकते हैं और कब बनी ये मस्जिद। तैमूर स्टेशन पर उतर गया हूँ। इसका पूरा नाम है तैमूर शहीद लैर कोपरुसू। यहाँ से अब मैंने नीचे टनल है, टनल से अपोजिट साइड पे जाना है और वहाँ से फिर 15C में बैठूँगा। वो 15C मुझे ग्रैंड जो मस्जिद है वहाँ तक लेके जाएगी। ये टनल जा रहा है जी। आज धूप निकली हुई है लेकिन गर्मी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है साथ, तो इसलिए एहतियातन जैकेट साथ रखी हुई है अगर ठंड लग जाती है। मैं इस वक्त एशियन साइड पे हूँ। जो यूरोप से गाड़ी मेट्रो जब एशियन साइड पे आती है, जो पहला स्टॉप है वो है तैमूर, तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ इस वक्त। और मेरे इस तरफ भी समंदर है, बैक साइड पे भी समंदर है, इस तरफ आबादी है, इधर भी समंदर है और इधर पीछे पिछली साइड पे भी समंदर है। व्यू अच्छा है यहाँ पे, लेकिन ना मसला ये है कि रोड के अतराफ में छोटे छोटे दरख्त लगाए हुए हैं तो कैमरे से वो कैप्चर नहीं हो पाएगा। आज चौथा रोज है, इस वक्त दोपहर के 3:30 हो गए। अब जाके समंदर नजर आना शुरू हुआ है मोबाइल से। गाड़ी में बैठी हूँ, 15C ये जाम मस्जिद के पास लेके जाएगी मुझे। ये मैं पहुँच गया हूँ मस्जिद के बाहर। ये मस्जिद है तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद है अब तक की। इसके साथ आर्ट गैलरी भी है, एक लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, और एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है और एक पार्क सा भी बनाया हुआ है। क्योंकि अभी 4 बजे हैं सिर्फ और असर की नमाज में 1 घंटा बाकी है, तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना इसके पार्क की तरफ को जाया जाए। एरिया बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। 4:00 ये घड़ी बता रही है जी। 1 मिनट, ये दरख्त के बाद घड़ी नजर आएगी आपको। नहीं आएगी, आ गई, आई नहीं, आई नहीं, आई आई, ये आ गई जी। ये 4:05 दिखा रही है, तकरीबन 3 मिनट हुए हैं, ऐसे ही 5 मिनट कर रहा हूँ। अच्छा, सुभानअल्लाह, मार्च 2019 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई है। हवा से जो बाल उड़ जाते हैं ना, ये काम बहुत ख़राब होता है। बहुत खूबसूरत मंजर है। सिक्सटी थ्री थाउजेंड लोग एट अ टाइम नमाज पढ़ सकते हैं। ठंडी ठार हवा चल रही है, हल्का हल्का पसीना आया था तो वो खुश्क हो गया। और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। हवा बहुत तेज चल रही है, हवा चल रही है और मैं भी चल रहा हूँ हवा के साथ साथ। ये मस्जिद से अब सामने का व्यू है।
मंदिर वाला जगह थी सारी, जहाँ अभी था मैं, अब इस मस्जिद का जो अहाता है मेन, उसके सहन में दाखिल हो रहा हूँ।